पानी, बस अब हमें जवाब मिल गया। तो हमारा आहार क्या होना चाहिए? कंद मूल, फल, पत्ती और पानी, तो हम भी निरोग रहेंगे, सशक्त रहेंगे। तो इंसान का सही आहार वो है कंद मूल, फल, पत्ती और पानी। आप बोलेंगे इंसान का सही आहार क्या है? कंद मूल, फल, पत्ती और पानी। वैसे तो हवा भी, लेकिन हवा खाई नहीं जाती, इसलिए हमने ये भोजन में इसका स्थान नहीं लिया। बाकी ये भी तो हमारा भोजन है, पंच तत्वों में वो आता है। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारा भोजन क्या होना चाहिए, कंद मूल, फल, पत्ती, पानी और हवा। तो निरोग होने के बाद, आप निरोग हो जाएंगे सही ढंग से इसको फॉलो करेंगे तो निरोग होने के बाद आप क्या खाएंगे? तो एक खाना है क्या? कंद मूल, फल, पत्ती और पानी। तो कंद में क्या है? जो जमीन के नीचे आलू है, शकरकंद है, बीट है, अदरक है, ये सारे कंद कहे जाते हैं। और मूल कौन से हैं? मूली, हाँ, जो कंद से पचने में हल्के है, कंद सबसे भारी है, इसे हल्का मूल है। मूल में रस की मात्रा ज्यादा है, कंद में वो कम पाई जाती है। सूरण, गुजराती में सूरण कहते हैं, हाँ, एक सूखा वो आता है। तो एक कंद है सब, तो कंद हमारा भोजन है, मूल हमारा भोजन है, फल हमारा भोजन है, पत्ती, हरी पत्तियां, पेड़ पौधे की पत्तियां, वो हमारा भोजन है। कंद मूल, फल, पत्ती और पीने का पानी, ये हमारा भोजन है, इंसान का भोजन है। तो अब हमें यही खाना जरूरी है। आ गई बात समझ में? लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये मेरी यात्रा आज 28 साल की हो गई, 1993 से मैं NDS अपना रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि केवल कंद मूल, फल, पत्ती और पानी, जैसे भगवान राम रहते थे, हनुमान जी रहते थे, तपस्वी रहते थे, आदिवासी लोग रह रहे हैं, उसी तरह हम रह सकेंगे नहीं, तो इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन समझने के लिए हमारा सही भोजन, इंसान का सही भोजन कंद मूल, फल, पत्ती और पानी है। कैसे? जैसे नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, इसको न आग पे उबालना है, न और कोई प्रोसेस करना है। जैसे अन्य प्राणी अपना अपना भोजन डायरेक्ट खा लेते हैं, वैसे ही हमें हमारा भोजन डायरेक्ट खाना है।
लेकिन हमने हमारी जीवन शैली ऐसी बना दी, ये कौन डायरेक्ट खा सकते हैं? आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं वो डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते। हम कहाँ जाएंगे लेने के लिए? हम तो बाजार से लाएंगे, जो दो तीन दिन पहले किसान ने तोड़ा है और हमारे घर तक पहुंचा है, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो जितना भी संभव है उतना करें, जितना भी नहीं होता है छोड़ दो, लेकिन जितना होता है करो। फ्रिज में नहीं रखना है लेकिन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते भर का हम खरीद के लाते हैं। तो जितना भी हम कर सकते हैं उतना करें, नहीं करते कर सकते हैं उसको भूल जाए। तो आज की बात करें तो एक कंद मूल फल पत्ती और पानी, इसको हम क्या कहेंगे? सलाद सब्जी फल और पानी, सलाद सब्जी फल पत्ती और पानी, ये हमारा भोजन है। जो भी बाजार में मिलता है वो हमें खाना है। ऐसा नहीं है कि इसको ये खाना, ये रोग वाले को ये खाना ये नहीं खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मिलता है वो खाना है, और मिलेगा वो ही जो जो सीजन में पकता है, तो ये सीजनल खाना है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ जो पकता है वो हमें खाना है, यानी कि रीजनल खाना है, सीजनल रीजनल। हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में एप्पल सेब नहीं होते, तो हमें सेब खाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो होता है वो हमें खाना है। स्ट्रॉबेरी जब होती है तब वो, मौसमी संतरे होते हैं तब वो, लौकी जो भी यहाँ पकता है यहाँ होता है वो हमें खाना है। तो ये है रीजनल सीजनल। और ओरिजिनल हो सके तो ओरिजिनल खाना है। ओरिजिनल यानी कि हम इसको जीनेटिकली मॉडिफाई न करें। आज आप देखते होंगे कि ज़्यादातर सभी हमारा भोजन जीनेटिकली मॉडिफाइड होता है, तो ये भी ठीक नहीं है। यदि संभव है तो ये जीनेटिकली मॉडिफाइड न खाए, जो नेचुरल है कुदरती है वो ही खाएं। तो अब हो गया रीजनल सीजनल, ओरिजिनल और नेचुरल। नेचुरल ये हो गया, और ओरिजिनल यानी जैसे प्रकृति ने दिया वैसा ही आग पे न चढ़ाएं और कोई प्रोसेस न करें। तो इस तरीके से जो भी भोजन हमें मिलता है वो हमारा सही भोजन है। ये हम खाते रहेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, ये हम कह सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जीवन में अपनाना ये संभव नहीं है। तो क्या करेंगे? जो भी बाजार में मिलते हैं, बाजार में मिलता है वो खाए, चाहे वो पेस्टिसाइड वाला है, चाहे वो केमिकली
फिट किया हुआ है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे? तो जो भी मिलता है वो खाना है, लेकिन कम से कम इसको आग पे नहीं चढ़ाना है, इसको प्रोसेस नहीं करना है, लेकिन प्रोसेस भी करना पड़ेगा। प्रोसेस यानी मरी मसाला डालते हैं, काटते हैं, काटने की भी जरूरत नहीं है, हाँ, जैसे अन्य प्राणी काटते नहीं हैं, वैसे खा लेते हैं, वैसे ही हमें भी खाना है, लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, काट लिया जाए, मरी मसाला डाल के स्वादिष्ट बना लिया जाए, लेकिन कम से कम ऐसा तो खाए, लेकिन ये भी संभव नहीं है, हाँ, इतनी छूट भी लेने के बाद ऐसा भोजन भी खाना हमारे लिए संभव नहीं है। वो जब आप प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा, हाँ, दो पांच दिन बहुत कोई रहता है तो महीने दो महीने तक ही रह सकता है, बाद में नहीं रह सकता। तो अब क्या करेंगे, हमें खाने की इच्छा होगी, जो लोग खाते हैं, हर कोई लोग गलत खाना ही खाते हैं, दाल चावल रोटी खाते हैं, पूरी पराठे खाते हैं, दूध दूध से बनी चीजें खाते हैं, तो ये खाने की इच्छा हमें भी करेगी, क्योंकि हमने भी आज तक खाया है। तो हम कहते हैं कि यदि नहीं रहा जाता, देखो फिर से रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ, यदि नहीं रहा जाता तो ही रात को एक बार पकाया हुआ भोजन ले लें। लोग क्या बाद में कहते हैं, आपने तो छूट दे रखी है, आपने ही बोला है कि रात को ऐसा भोजन खा सकते हैं। नहीं, ये तो मजबूरी है हमारी कि हमें कहना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि खाने ही वाले हैं लोग। तो शिविर में भी हम वैसे तो जो नेचुरल जो बाजार में मिलता है वो सलाद सब्जी फल देते हैं खाने को, लेकिन जाते वक्त अगली रात एक बार हम पकवा आहार भी देते हैं। क्यों? क्योंकि घर जाके तो खाने ही वाले हैं, तो यहाँ डेमो दे दे, डेमोन्स्ट्रेशन दे दे, सिखा दे कि कैसा खाएंगे। तो इसमें सब्जी ज़्यादा अनाज कम, जो भी हम खाएं सब कुछ खाने की छुट्टी है, लेकिन इसमें सब्जी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और अनाज की मात्रा कम होना चाहिए। उस तरह से पकवा आहार बनाएं और खाएं, इस हिसाब से ऐसा भोजन यहाँ से भी रात को एक बार अगले दिन दिया जाता है हर कोई सेमिनार में। तो अब पता चल गया, फिर से एक बार दोहरा देते हैं, रोग चाहे कोई भी हो, कारण एक ही है, वो कारण है शरीर में रुका हुआ मल, दोष, इम्प्यूरिटी, गंदगी, और इसका कारण है गलत आहार। अब ये गंदगी को हटा देना है, कैसे हटाएंगे? तीन तरीके हमने देख लिए, संजीवनी, रेचक रस और लंगन। रोग हट गए, अब सही भोजन खाना है। सही भोजन इंसान के लिए,
जो आदिवासी खाते हैं, हनुमान जी भगवान राम खाते थे, ऋषि मुनि तपस्वी खाते थे, ये हमारे लिए सही भोजन है। और वो भोजन है सलाद, सब्जी, फल, पत्ती और पानी। लेकिन इससे रहा नहीं जाता तो रात को एक बार पकवा आहार ले ले, और पकवा आहार में सब्जी ज्यादा, अनाज कम। ज्यादा मतलब 70% सब्जी और 30% अनाज डालें। ऐसा भोजन करेंगे तो ज्यादातर हम निरोग रहेंगे। ये गलती हम जानबूझ के कर रहे हैं तो अंदर फिर से शरीर में कूड़ा कचरा जमा होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। तो अब क्या करेंगे कि सुबह का उपवास हम चालू रखेंगे 8 घंटे का, और हफ्ते में एक बार एक दिन का उपवास कर लेंगे। हमें 3 बातें रखनी है याद, इसमें इसको समाविष्ट कर लिया गया है। हफ्ते में एक बार, हफ्ते में नहीं हो सकता तो कम से कम 15 दिन में एक बार, और बाद में हर 3 महीने नवरात्र आती है तो नवरात्र में जितना हो सके निर्जल उपवास, और जब न हो सके तो निर्जल की जगह कोई जूस ले लें। तो इस तरीके से आदत डालेंगे तो नवरात्र उपवास भी हम कर सकेंगे, और इस तरीके से हम हमारे शरीर को निरोग रख सकेंगे और भोग भी भुगत सकेंगे। जो खाना है हमें वो भी खा सकेंगे पकवा आहार, और फिर भी निरोग रह सकेंगे। तो अब सारी बातें आपके समझने में आ गई होगी। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ कि जो भी आपको सवाल अभी भी रहते हैं, उठते हैं, तो आप अवश्य सवाल करें। सवाल के लिए आपको मौका दिया जाएगा, और वो है कल के दिन आपको सुनना है, परसों यानी कि अंतिम 2 दिन आप सवाल पूछ सकेंगे, लिख के लाना है। सुवाच्य अक्षर से, बड़े अक्षर से लिखना है, तो हर कोई सवाल के जवाब दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यदि हम जीवन जीते हैं तो अब ये हमारी लाइफ स्टाइल बन जाएगी। लोग पूछते हैं कि कितने समय तक हमें ये खाना है, इस तरह से रहना है, तो अब ये हमारी लाइफ स्टाइल है। लाइफस्टाइल हमने बदल दी। आज तक लाइफस्टाइल कैसी थी? सुबह उठते ही नाश्ता करते थे, जो भी नाश्ता हम करते थे, चाय और साथ में और कुछ भी, दोपहर में दाल चावल रोटी, शाम को कुछ नाश्ता, रात को खिचड़ी कड़ी रोटी ऐसा कुछ। तो अब ये हमने बदल दिया, ये हमारी आज तक की लाइफस्टाइल थी। अब हमने लाइफस्टाइल बदल के उठने के बाद जितना हो सके 6-8 घंटे उपवास, और बाद में सारा दिन जब भी भूख प्यास लगे तब ये अपक्व आहार
सलाद, सब्जी, फल, ये सब कुछ लेना है। और रात को पकवा आहार जिसमें सब्जी ज़्यादा, अनाज कम, इस तरीके से हमें आदत डालना है और हमें हमारी जीवन शैली, जीवन दिनचर्या हमारी बदल देना है और निरोगी रहना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कभी कभार 15 दिन में एक बार उपवास कर लेना है निर्जला, और हर नवरात्र 3 महीने नवरात्र उपवास करना है। इस तरीके से हम जीवन जिएंगे, इस तरीके से हम हमारी जीवन शैली बना देंगे, लाइफ स्टाइल बना देंगे, तो सारा जीवन हम निरोग रह सकते हैं। तो ये पता चल गया, ये है हमारे लिए जिसने आज तक गलत भोजन खाया है। लेकिन जो नए बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनको तो यदि पहले से हम सही आदत डाल देंगे, उन्होंने तो ये स्वाद चखा नहीं है, तो हमने चख लिया तो हम आदि बन गए हैं। तो उनको पहले से आदत डालें आदर्श भोजन की, यानी कि अपकवा आहार की, सलाद, सब्जी, फल, पत्ती और पानी की, तो ये जो बच्चे हैं वो तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि पशुओं के बच्चे हैं वो बीमार नहीं पड़ते, जबकि इंसान के बच्चे, हर कोई बच्चे सारी दुनिया में बचपन से ही सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, हाँ, इसके शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको गलत भोजन दिया जाता है। तो अब हम समझ जाएंगे तो अब हम गलत नहीं खिलाएंगे, तो हमारे बच्चे भी अन्य प्राणियों के बच्चों की तरह निरोग रहेंगे, उनके जीवन में कभी कोई भी रोग नहीं आएगा और वो सशक्त, लव और कुश की तरह सशक्त बने रहेंगे। तो ये सारी बातें हमारे अपने जीवन में जो हमने प्रयोग किया इससे हमें पता चला, और ये हमारा अनुभव हम सारी दुनिया में शेयर करते हैं, सभी को बताते हैं। और जो जो इसको सही ढंग से फॉलो करते हैं श्रद्धा और विश्वास से, उनको चमत्कारिक लाभ मिले हैं। तो आप भी ये प्रयोग करके देखो। जब आप यहाँ आए हैं तो ये मौका है, हो सके तो निर्जल उपवास भी एक दिन कर लो। कोई कोई लोग तो चार चार पाँच पाँच दिन के भी निर्जल उपवास कर लेते हैं, तो यहाँ ये हो सकेगा। घर जाके ये करना आसान नहीं है, हाँ, ये हमें करने नहीं देंगे हमारे रिश्तेदार ही, तो यहाँ हो सकता है। तो जिसको करना है स्वैच्छिक, यहाँ से कोई आपको आदेश नहीं दिया जाता कि निर्जल करना है, जिसको करना है उसके लिए मौका है।
तो कर सकते हैं। तो आगे की यात्रा हमारी चालू ही रहेगी, एक के बाद एक हम चिड़िया चढ़ते जाते हैं और जो हमारे जीवन के लिए हमें चाहिए वो हम खुद के अनुभव से सीखेंगे। हमें शरीर से यात्रा शुरू करनी है, बाद में इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा और परमात्मा तक की हमारी यात्रा चालू रहेगी। तो आप भी साथ देना, जुड़े रहना और आप भी लाभ लीजिए जो लाभ हमें मिला है, जो लाभ करोड़ों लोगों को विश्व में मिला है आपको भी मिले। लेकिन इसके लिए आपको सुनना होगा, समझना होगा, प्रयोग करना होगा, तभी मिलेगा। केवल सुनने से, केवल समझने से नहीं मिलता, अंत में जीवन में खुद पे प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।